नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर कटारिया और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्क्यू। फायर फाइटिंग के दौरान या कोई भी इमरजेंसी के दौरान आग में फंसे हुए आदमी को या किसी भी आपदा में फंसे हुए आदमी या बिल्डिंग ढह जाने पे जब हम रेस्क्यू करते हैं, उसको बचाने का जो काम करते हैं, उसको सेफ निकाल करके सेफ जोन में लाने का जो काम करते हैं, उसको हम रेस्क्यू ऑपरेशन बोलते हैं। तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन, वो बचाव कार्यवाही कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्क्यू, अब ध्यान देने के बाद यहां पे ये है टाइप्स ऑफ रेस्क्यू, यानी रेस्क्यू कितने प्रकार के हैं। आप ये मत समझना कि रेस्क्यू टेक्निक है, टेक्निक नहीं है। आप बोलोगे हैंड टू हैंड, बैक टू बैक, पीके बैक, तो वो नहीं है। फायरमैन लिफ्ट वो एक टेक्निक है। वो टेक्निक किसका पार्ट है? वो रेस्क्यू का पार्ट है। तो ये चीज यहां पे समझने वाली है। अगर मैं ये वीडियो ऐसे ही बना के छोड़ देता तो फिर आपके दिमाग में आती, या फिर बोलते कि नहीं ये तो ऐसे ही बना के चलाएगा, खुद ही बना रहे। तो सामने वाला जो वीडियो बनाता है तो हो सकता है मैं ये टेक्निक बताना भूल जाता, तो आपके मन में आता नहीं ये तो फ्रॉड है। तो नहीं, जिसने वीडियो बनाई है, तो कहने का मतलब ये है जिसने वीडियो बनाई है एक बार उससे कमेंट करके पूछो जरूर कि भाई ये आखिरकार है क्या, हमने तो ये पढ़ा था और आपने ये क्या बता दिया। देखो, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई समय नहीं, सीमा नहीं होती। हम सामने वाला हमें कुछ बताता है, हम उसका अपोजिट उसको बोल देते हैं। ये होता है सीखते टाइम, जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, हम फ्रेशर हैं आज, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे कोई भी सीनियर हमें बताता है कि भाई ये बात, ये टेक्निक का ये है और इसका आंसर ये है, तो हम सामने वाले को बोलते हैं इसको तो कुछ पता ही नहीं, बेवकूफ बना रहा है, ये पता नहीं क्या बोल दिया। भाई वो सीनियर है, हम फ्रेशर हैं, तो हो सकता है हमारे ज़्यादा भाई कुछ ना कुछ तो हमारे ज्यादा जानता ही है, क्योंकि वो फील्ड के बारे में ज्यादा जानता है। तो हमें उससे सीखना है, और जिससे हम सीख रहे हैं उससे रिस्पेक्टली वर्ड यूज किया जाता है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, हर फायरमैन के लिए, हर सुपरवाइजर के लिए, हर एक ऐसा आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, वो सीनियर से कैसे सीखे, उसका एक तरीका होना चाहिए। हमें सामने वाले को बोला सर हमने तो, हमें उससे पूछना है तो सर हमने तो ऐसा पढ़ा था और ये आप क्या बता रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया, एक बार समझाओ, तो सामने वाला आपको अच्छे से समझाएगा और वो इंटरेस्ट भी लेगा, वो साथ में आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। मैं अदर वीडियोस देख रहा था अदर यूट्यूबर की, तो वहां पे कुछ लोगों ने बैड कमेंट किए। चलो ठीक है, जो बैड कमेंट कर गया, मैं ना किसी यूट्यूब चैनल का नाम लूंगा, ना किसी ने बैड कमेंट उसका भी नहीं लूंगा, और ना मैं अपना लिखता। तो डियर, ठीक है आपकी समझ में नहीं आया तो वाच करके छोड़ दो, गाली देना या उसको अपोजिट वर्ड बोलना भी अच्छी बात नहीं है। तो यहां पे समझने की बात ये है, और फिर हमें सीखना, हमें हो सकता है हमारे अंदर ही गलती हो, सामने वाला ठीक हो, तो उसके बारे में भी जानो। और अभी आपके मन में एक सवाल पहले यही आ गया होगा कि इसी को किसी ने यूट्यूब पे गाली दी, तो ऐसा नहीं है डियर। आप मेरा पूरा यूट्यूब चैनल सर्च करो, आप में वहां, आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, मेरा सिर्फ कहने का ही है, मैं अदर भी वीडियोस देखता हूँ फ्री होने के बाद। वैसे तो बहुत कम यूट्यूब को देखता हूँ मैं, लेकिन देखता भी हूँ। और जिस पे उस बंदे ने कमेंट किया था, उसने स्पीच अच्छा दिया था, बताया भी अच्छा था, लेकिन सामने वाला फिर भी गाली देगी निकल गया, तो मेरे को कोई गाली ना दे, इसके लिए पहले ही प्रिकॉशन ले रहा हूं मैं। तो ये टाइप्स ऑफ रेस्क्यू है, ना कि रेस्क्यू टेक्निक, तो ये ध्यान देने की बात है। तो टाइप्स ऑफ रेस्क्यू कितने, तो रेस्क्यू कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। रेस्क्यू चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ग्राउंड रेस्क्यू। ग्राउंड लेवल पे जो भी रेस्क्यू किए जाते हैं वो सभी रेस्क्यू के अंदर आते हैं। फायरमैन लिफ्ट करना, बंदे को किसी टॉवल या बोरी पर रख के खींच के ले जाना क्रेडल से,
टू हैंड सीट में, थ्री हैंड सीट, पीके बैक, बैक टू बैक, जितने भी सारे एक्टिविटीज हैं ग्राउंड लेवल की, वो सभी ग्राउंड रेस्क्यू में आती हैं। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। रेस्क्यू करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अब आता है हाइट रेस्क्यू। हाइट पे रेस्क्यू किया जाता है जो, अब वो किस तरह के रेस्क्यू होते हैं और वहां पे कौन कौन सा सामान यूज किया जाता है, तो वहां पे रोप का सहारा लेते हैं। आप लोगों ने रोप के बारे में सुना होगा, हम चेयर नोट लगा करके बंदे को ऊपर से नीचे उतारते हैं। अगर वहां पे चेयर नोट ही के अलावा हम दूसरा लैडर का प्रयोग करते हैं, लैडर से उतार के लाते हैं, और उसके साथ में सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करते हैं हम रस्से के साथ, और एक होता है एसेंडर डिसेंडर। बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, किसी भी रस्सी पे हम हाथ लगा के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो वो क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, वो इतनी ग्रिप बनाता है, एक बार खोलो ऊपर लगा दो फिर दबा दो, वो इतनी ग्रिप बना देगा आपको पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम रस्सा से पकड़ के यूं चढ़ते हैं ना, तो वहां वो करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली खोलो ऊपर लगाओ, रस्से को इस तरह जकड़ लेगा, आप जितना मर्जी झटका मार लो वो नीचे नहीं जाएगा। एक होता है ऊपर चढ़ने के लिए, एक होता है ऊपर से नीचे उतरने के लिए, असेंडर ऊपर जाने के लिए और डिसेंडर नीचे आने के लिए होता है। जो रेस्क्यू के दौरान होता है, जब कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा कि रस्सी के सहारे जब ऊपर चढ़ते हैं, वो पुरानी टेक्निक हो गई, अब लेटेस्ट आ गया, तो ये असेंडर डिसेंडर वहां पर यूज किया जाता है। आप नेट पर सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे होते हैं कि सर आप ये बता रहे हैं लेकिन इक्विपमेंट वगैरह दिखाओ। एक ने तो बोला कि सर मॉड्यूलर की रिफिलिंग करके दिखाओ, तो डियर कितना कितना सामान लेके आऊंगा मैं, आप खुद ही बताओ। आप जिस इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं वहां पे भी सारे इक्विपमेंट नहीं होंगे, आप जिस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के पास भी सारे इक्विपमेंट नहीं होंगे। तो जितना पॉसिबल है मैं उतना आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे वाटर रेस्क्यू, पानी का रेस्क्यू। पानी के दौरान जब कोई बंदा डूब रहा होता है तो उसका रेस्क्यू कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होती है। उसके लिए एक स्विमिंग सूट की जरूरत होती है, उसमें एयर भरी होती है, उसको पहन करके आदमी जाता है, एक जैकेट टाइप का होता है उसको पहन करके, जो होगा जिसको चाहे तैरना भी नहीं आता, तैरना भी नहीं आता होगा ना, वो भी डूबेगा नहीं, क्योंकि एयर है वो हवा से हल्की होती है और लॉक होने के बाद ऊपर ही आएगी। आप बोतल को कैप लगा करके ढक्कन डाल करके पानी में डाल दो, कभी नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही रहेगी वो हमेशा। और फिर उसी बोतल का कैप निकाल करके उसके अंदर पानी डाल को पानी में फेंक दो, नीचे जाके बैठ जाएगी। तो उस सेम उसी की तरह उस एयर रहती है सूट के अंदर, वो डूबने नहीं देता आदमी को। उसके बाद आता है लाइफ जैकेट, वो भी लाइफ जैकेट भी सेम उसी की तरह होती है, उसके अंदर एक फॉर्म टाइप रहता है, उसको पहन करके और ऐसे बांध करके जैसे सेफ्टी बेल्ट बांधते हैं, आप उसको पानी में कूद जाओ, डूबेगा नहीं कोई भी आदमी। उसके बाद होता लाइफ बॉय। अब ये लाइफ बॉय क्या होता है, लाइफ बॉय एक रिंग टाइप का होता है, रिंग घेरा जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक पानी में डूबती नहीं है, ऊपर से वो खोखला होता है चारों तरफ से। अब हम क्या करते हैं, वो लाइफ बॉय को लेकर के ऐसे डूबते हुए आदमी के पास पानी में फेंक देते हैं। अब वो क्या करता है, उसको पकड़ करके तैरता रहता है, जब तक कोई भी आदमी उसके पास नहीं पहुंच पाता, जब तक वो उसके सारे वहां पे रुक सकता है, और उसके माध्यम से वो तैर करके किसी किनारे पे भी जा सकता है। लाइफ बॉय हमारी सेफ्टी के लिए होता, जो आदमी डूब रहा होता है उसकी सेफ्टी के लिए होता है। और उसके बाद आता है बोट, बोटिंग, आप लोगों ने सुना होगा, बोट के माध्यम से रेस्क्यू करते हैं, नाव जिसको बोलते हैं उसको लेकर के अंदर जाते हैं, फिर उसमें हम लेकर के आते हैं डूबने वाले आदमी को। उसके बाद आती है लाइफलाइन। लाइफलाइन सभी लोग जानते हैं, एक रस्सी होती है, हम डूबते आदमी को जब हम गांव में ये जुगाड़ करते हैं, देसी जुगाड़, जब आदमी डूब रहा होता है एक रस्सा लो
रस्से का एक सिरा अपने आप पकड़ो और दूसरे को पकड़ करके ऐसे अंदर फेंक दो, वो उसको पकड़ करके हम फिर उसको खींच लेंगे, वो बाहर आ जाएगा। और दूसरा, हम भी अपनी पीठ पे बांध करके उसको नीचे जा सकते हैं। जब पानी के अंदर आदमी है तो स्कबा, स्कबा बोल दो, बी ए सेट, स्कबा सेट, सेल कंटेंट कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस पूरा नाम है, इसको स्कबा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और गूगल्स, बहुत सारे लोग फिल्मों में तो सभी ने देखा होगा जो समुद्र के अंदर वो पीछे बोलते हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो स्कबा ही होता है और गूगल्स लगा करके अंदर जाता है, वही है। ये जो वाटर रेस्क्यू होती है दो प्रकार के होते हैं, एक पानी के लेवल के ऊपर और एक पानी के अंदर। तो तीन नंबर था वाटर रेस्क्यू। अब आता है चार नंबर, कन्फाइंड स्पेस या डीप, डीप में रेस्क्यू, डीप रेस्क्यू या कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू। अब इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है, एक होता है ट्राइपोड, वो थ्री एंगल का होता है, थोड़ा बना के दिखा देता हूं मैं, इस तरह का होता है, ये तीन टांग होते हैं। अब जो कोई भी वैसे लिया, जैसे कोई शिवर होता है तो उसी तरह इसको शिवर के मुंह के ऊपर लगा देते हैं हम, और यहाँ पे एक पुली लगा दी जाती है, इसमें लोहे की वायर होती है, और यहाँ पे एक लाइफ लाइन लगा दी जाती है। वो लाइफ लाइन आदमी को जो नीचे जा रहा है रेस्क्यू करने के लिए, वो सेफ्टी बेल्ट पहन के जाएगा, और पीछे उसके यहाँ पे एक हुक लगा दिया जाता है, जो लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं, वो पहन करके नीचे जाएगा। और साथ में ट्राइपॉड में रिंग होता है, मैं उसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा, रिंग टाइप का हैंडल लगा होता है, उसको लगा करके हम नीचे भेजते हैं, फिर उसकी माध्यम से हम आदमी को ऊपर खींचते हैं। लेकिन ये लाइफ लाइन जब पहन के अंदर आदमी जा रहा है, चाहे वो शिविर में भी है, गांव में देसी जुगाड़ करते हैं हम, या वहां पे ट्राइपॉड वगैरह नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आदमी के पीछे पीठ पे रस्सी बांध देते हैं, और उसको समझा दिया जाता है, जो अंदर जा रहा है वो बाहर वाले को समझा के जाता है कि मैं अंदर फंस जाऊंगा तो इस तरह दो तीन बार झटके मारूंगा, अगर मैं सेफ हूं तो एक बार मारूंगा, एक झटका मारूंगा तो समझ जाना बंदा सेफ गया, अंदर शिविर में सेफ है। या फिर बाहर वाला आदमी अंदर वाला जो अंदर जा रहा है उसको समझाता है कि भाई मैं बीच बीच में तुम्हारा जायजा लेता रहूंगा कि तुम ठीक से रेस्क्यू कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो या नहीं। तो बाहर वाला भी पहले ही वो अपनी टेक्निक सेट कर लेते हैं कि भाई मैं एक बार खींचूंगा तो इसका मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं तुम ठीक हो, दो बार खींचूंगा तो मैं बोल रहा हूं कि आप बाहर आ जाओ, तीन बार खींचूंगा तो काम फिनिश हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटी, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, हम जाने से पहले ये सब डिस्कस करते हैं साथ में। तो ये ट्राइपॉड के दौरान, ट्राइपॉड के साथ में, ठीक है। अब इसके साथ में और क्या चाहिए, सेफ्टी बेल्ट चाहिए और एक टॉर्च चाहिए, क्योंकि आप शिवर के अंदर जा रहे हो, कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हो, कोई वेसल के अंदर जा रहे हो तो अंदर तो रोशनी होगी नहीं, या हो सकता आगे रोशनी थी लेकिन वो किसी कारण से काट दी गई है। अब माचिस लेके जाओगे वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो जलेगी नहीं, मोमबत्ती लेके जाओगे जलेगी नहीं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वहां पे क्या करते हैं, हम टॉर्च लेके जाते हैं, टॉर्च, और कुछ तो फायरमैनों के यहां हेलमेट पे भी टॉर्च लगी रहती है। उसके बाद आता है बीएसएट, ये कन्फाइंड फेस में भी कंपलसरी होता है। उसके बाद आती लाइफ लाइन, जो भी मैं जिक्र कर रहा था सेम वही है। और उसके बाद आता है कि कम्युनिकेशन कैसे करें, वॉकी टॉकी वायरलेस होते हैं। अब हो सकता है आप कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हो, बोला कि आज तो फोन का जमाना, फोन से ही ना बात कर लेंगे, तो वहां पर फोन रेंज नहीं दे पाते हैं, तो वॉकी टॉकी का यूज कीजिए, वो की हाई डेंसिटी में रेंज देता है और उसका ज्यादा एरिया नहीं होता है, कुछ एरिया में सीमित होता है लेकिन जहां तक सीमित होता है अच्छा रिस्पॉन्स देता है, लेकिन कई बार वॉकी टॉकी की भी रेंज छोड़ जाता है। अब वॉकी टॉकी क्या होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा, एक वायरलेस होता है,
जो पुलिस वाले बोलते हैं कंट्रोल रूम वहां का एरिया बंद करा दो, वहां पे चोर जा रहे हैं, वहां पे एरिया बंद करा दो, वहां से गाड़ी जा रही है लाइन क्रॉस करके जा रही है, रेड लाइट जंप कर गया तो इसको रोको, जो ये वायरलेस एसी को वॉकी टॉकी बोलती है। तो ये था टाइप्स ऑफ रेस्क्यू। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम ग्राउंड रेस्क्यू पे, जितने वो टेक्निक्स है, पीके बैग, बैक टू बैक, फायरमैन लिफ्ट, ये सब एक लिस्ट बना के दूंगा पहले, उसके बारे में समझाऊंगा, फिर उसके बाद जहां तक पॉसिबल होगा, जितनी कोशिश होगी, मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम इस टॉपिक पे बनाएंगे, और कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू और व्हाट रेस्क्यू भाई मैं नहीं करके दिखा सकता, पता लगे फिर बोले सर ये करके दिखाओ, तो उसके लिए आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। हाँ, जो टेक्निक्स है, क्योंकि मैं यहां पढ़ाने का काम कर रहा हूं और किसी भी स्टूडियो में सारे इक्विपमेंट नहीं होते हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितना मैंने समझाया तो समझ भी आ गया होगा। देखो, किसी भी फील्ड में कोई भी आदमी 100% नहीं होता है, मैं पहले भी अपनी वीडियोज में बोल चुका हूं, कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो 100% कोई नहीं होता है। अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है। और अभी तक भी आए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।